कैसी हो अब तुम? आकाश का फोन आया था क्या? हाँ आया था, बात हुई उससे। मेरी बात नहीं करवाई। तुम उस समय सो रही थी। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। अच्छा बाबा, अब आराम करो, दोपहर में तुम्हारी बात करा दूंगा तुम्हारे बेटे से। बहू कहाँ है? बहू अपने कमरे में है। कोई काम है मुझे ही बता दो। मुझे तो बहू को देखना था। आकाश को तो देखे हुए 1 साल हो गया। बहू को देख लेती हूँ तो तसल्ली हो जाती है। ठीक है आकाश की माँ, मैं बुला के लाता हूँ बहू को। हे भगवान। बहू। हाँ बाबूजी। माँ याद कर रही है तुम्हें। मैं समझ सकता हूँ पर मजबूर हूँ बेटा। सब भाग्य की बात है बाबूजी। मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे आप दोनों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। खुश नसीब? आप हिम्मत रखो बाबूजी। अगर आप टूट जाओगे तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी। आपने बुलाया माँ? कौन कहता है बहू बेटी से कम नहीं होती। मेरी बहू बेटी से कम है क्या? मेरी अपनी सगी बेटी होती तो वो भी इतना नहीं करती। तो क्या माँ जी मैं आपकी बेटी नहीं हूं? आकाश से बात हुई थी क्या? हाँ माँ बात हुई थी, वो अच्छे हैं। अच्छा। मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। अच्छा सुन, कल करवा चौथ है। कल व्रत रखना, सजना सवरना, पति की उम्र लंबी होती है। करेगी ना? हाँ माँ मैं व्रत करूंगी। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो।
जाएगा। मुझसे नहीं होगा ये सब, आपको तो पता है करवा चौथ पर उनका तीसरा महीना है। बेटा मैं बहुत स्वार्थी हो गया, मैं तेरे दर्द को नहीं समझ पाया। अब मैं तुम्हें इस धर्म संकट से दूर करूंगा बेटा। पर बेटा अगर तेरी माँ को बता दिया ना तो वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाएगी। पर अब क्या करूं पता नहीं पड़ेगा बेटा, मैं बताता हूँ उसे। रुको बाबूजी, आपको तो पता है ना कि मेरा बचपन मेरी माँ के बिना गुजरा है। मेरे बाबा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज मुझे मेरी माँ का प्यार मिल रहा है तो मैं इसे खोना नहीं चाहती। उन्हें मत बताओ बाऊ जी। धन्य है तेरी जैसी बेटी। क्यों पाप का भागी बना रहे हो, मत करो ना। अरे भगवान, अगर मैं बीमार होता तो तुम क्या मेरी सेवा नहीं करती? वो तो मेरा फर्ज है आपके लिए। आपके लिए। ये फर्ज है तुम्हारा, मेरा तो फर्ज है ही नहीं। क्यों, तुम चुप करो, आराम करो। अच्छा सुनो, बहू तैयार हो गई क्या? हाँ, सुन रहे हो? हाँ। जाओ बहू को बुला लाओ, करवा चौथ का व्रत है उसका, चांद भी निकल आया होगा। व्रत भी खोलना है। हाँ मैं देख के आता हूँ, अब तुम आराम करो। अरे राम जी, बिंदी लगाने के बाद तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, और ये बेस, और ये बेस तो तुम पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्वर्ग से अप्सरा आ गई हो। सच में अब अगर मुझे कुछ हो भी जाए ना, कोई गम नहीं। बहू बेटा, औरत का शरीर ही आदमी के शरीर से कमजोर होता है, पर दिल बहुत मजबूत होता है बेटा। हाँ
सदा सुहागन रहो, खुश रहो, किसी की नजर ना लगे। भगवान।